अब क्या करने वाले हैं इंसान के दिमाग के साथ। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में टेलीपैथी नाम का नया उपकरण लगाया है। इससे पहले भी ऐसे प्रयास हो चुके हैं, लेकिन न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी काफी अलग है। आमतौर पर इम्प्लांट की ऐसी कोशिशें दिमाग के ऊपर उपकरण फिट करने की होती थी, लेकिन न्यूरालिंक का ये चिप सीधे दिमाग के अंदर जाता है। ये चिप बहुत पतले तारों का इस्तेमाल करता है जो दिमाग की अलग अलग कोशिकाओं से जुड़ सकते हैं। इससे भविष्य में हमें अपने दिमाग से ही मोबाइल और कंप्यूटर चलाने में मदद मिल सकती है। खासकर ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हालांकि न्यूरालिंक का असली मकसद इंसानों और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना है, यानी भविष्य में हम सोच कर ही चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। ये मानो साइंस फिक्शन की फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन अभी इसे लेकर काफी सवाल भी हैं। मसलन कहीं इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल तो नहीं होने लग सकता है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है और इसके दूरगामी असर को समझने के लिए अभी और वक्त लगेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की करता रहे जैसा कि कहा जा रहा है, तो न्यूरालिंक जैसे उपकरण इंसानों को पूरी तरह बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, हम सीधे ड्रोन सेल्फ ड्राइविंग कारों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे, सुपर कंप्यूटर जैसा शतरंज खेल पाएंगे या प्रोटीन संरचना जैसे जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों की देखरेख कर सकेंगे। ऐसा करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज की तकनीकी भी काफी हद तक ये कर सकती है। हम बिना तार के मोबाइल और लैपटॉप चलाते हैं, उनकी बैटरी भी बिना किसी तार के चार्ज करने की तकनीकी पहले से मौजूद है। ऐसे में ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि भविष्य में हमारे दिमाग में लगा एक चिप आसपास के उपकरणों को कंट्रोल कर सकेगा और उसे बिना तार के ही चार्ज किया जा सकेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। न्यूरालिंक का कहना है कि वो 2024 में 11 लोगों पर ये चिप लगाएगा और इस तकनीकी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इंसानों पर प्रयोग से पहले उन्होंने बंदरों पर टेस्ट किया था, यानी ये माना जा सकता है कि ये सर्जरी मेडिकल रूप से सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन मिनट।